यूनि न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, मैं यज्ञ आदि स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत पौराणिक सभ्यता यानी कि सनातन संस्कृति चलती है, और यहां तक कि ही नहीं, यहां पर ऐसे ऐसे राजा और व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। और इसी देश में प्रभु श्री राम भी जन्मे हैं, जो कि मर्यादा के पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा वैशाल्य भारत के अंदर है, और एक जगह नहीं है, कई राज्यों में है, जिनमें मैं आपको कुछ ही राज्यों के नाम बता पाऊँगा, जैसा कि 5 राज्यों के नाम बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ चलाई जा रही है। नंबर 1 पर आता है एक ऐसा शहर जिसको फिल्म इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा शहर माना जाता है, यानी कि मुंबई शहर। यहाँ पर एक कमाठी नाम का एक बाज़ार है, एक मार्केट है, उस मार्केट में एक बहुत बड़ा वैशाल्य है। कहा जाता है कि वहाँ पर 11,000 के आसपास वैश्यकर्मी रहते हैं। वैश्यकर्मी में यही नहीं कि बड़ी बड़ी औरतें या लड़कियां हैं, वहाँ पर कम उम्र की लड़कियां भी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़कियां छोटी छोटी उम्र वाली लड़कियों को भी अपने साथ लेकर आती हैं। जो माँ है वो अपनी लड़की को भी साथ में लेकर आती हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है कारोबार। इस प्रकार से जहाँ पर गैम्बलर का इतना ज़्यादा स्कोप है, उसी राज्य में उसी शहर में इतना बड़ा वैशाल्य भी है। दूसरे नंबर आता है बुधवा रापेट, यानी कि पुणे के अंदर। ये एक वहाँ पर एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर किताबें और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट चलता है, लेकिन जब वो बंद हो जाता है शाम के समय, उसके बाद वहाँ पर वैश्यावर्ती का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। और यही ही नहीं, वहाँ की आप यदि संख्या जानोगे, लगभग वहाँ पर 50,000 इस प्रकार के वैश्यकर्मी रहते हैं, जिसमें मेल भी हैं कुछ। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी बहुत बड़ा पुणे के अंदर भी ये चलाया जाता है। यहीं पर तीसरे नंबर पे आता है मीरगंज। ये मीरगंज यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर इनलीगल तरीके से ये वैश्यालय चलाया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप वहाँ पे इस कार्य के लिए जाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी मनपसंद लड़की तक मिल जाती है, और इसकी बुकिंग पहले भी होती है। बड़े बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो पहले से बुक कर लेते हैं। जो नई लड़की आती है या जो अच्छी लड़की होती है, उसकी बुकिंग पहले हो जाती है। थोड़ा कॉस्टली होता है यहाँ पर, क्योंकि इनलीगल है। तो दोस्तों, ये था 30 नंबर का बहुत बड़ा वैशाल्य। तो अब मैं लेकर चलता हूँ चौथा वैशाल्य, जो कि दिल्ली के अंदर है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन वहाँ पर भी वैश्यावर्ती का बहुत बड़ा बिजनेस किया जाता है। जीबी रोड दिल्ली के अंदर है। रेड लाइट एरिया बहुत बड़ा एरिया है, हालांकि यहाँ पर भी इनलीगल है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो मार्केट है जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं उनके स्पेयर पार्ट मिलते हैं। ऊपर उन्होंने अपने मकान बना के जिसके अंदर वैशाल्य चलता है, नीचे मार्केट है, तो किसी को पता नहीं चलता जिसके बीच में चलता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भी ये कार्य चल रहा है। तो सोचिए देश में कैसा है, कैसा हो रहा है। अब लेके चलता हूँ मैं 5वें नंबर पर, जो आता है वो सबसे बड़ा है और एशिया में सबसे नंबर 1 पे है, और जो कि कलकत्ता के अंदर है। कलकत्ता के अंदर सोनागाड़ी एक बाज़ार है, उसमें है, ये लीगल है, और वहाँ पर किसी और का कार्य नहीं होता, खाली इसी चीज़ के लिए वो एरिया बना हुआ है, यानी कि वो वैशाल्य प्रमाणित रूप से है, लीगल है, वो पूरे दिन चलता है, 24 घंटे चलता है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन वहाँ पर एक सुविधा और भी है साथ में, वहाँ पर हर देश की लड़की आपको मिल जाएगी। किसी भी देश की लड़की देखें आप, तो उसी देश की लड़की वहाँ मिल जाती है, और वहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, अपने ही देश के नहीं, भारत के ही नहीं, भारत से भी बाहर के लोग वहाँ पर आते हैं इस काम के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ये 5 ऐसे वैशाल्य लेकर आया था जो भारत के अंदर चलते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश होने के बावजूद, पूरे वर्ल्ड के अंदर मर्यादा वाला, अच्छी संस्कृति वाला देश होने के बावजूद भी उस देश की ऐसी गरिमा हो रखी है कि जिसके अंदर नंबर 1 पे ऐसे कार्य होता है। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि क्या ये वैशाल्य हो
होने चाहिए लीगल या नहीं होने चाहिए, क्योंकि लीगल होने से सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो बलात्कार के केस कम होंगे, वासना निपटाने के लिए लोगों को एक स्थान मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि लीगल नहीं है तो वहाँ पे हफ्ता वगैरह जाता है तो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण अब पैसे नहीं हो पाते तो बलात्कार के केस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होना चाहिए या ना होना चाहिए यह आपको बताना है, कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए।